तो गाइस शिकारा निकल पड़ा है अपनी मंजिल की ओर। और मैं ना चुन्नी ऐसे रख रही हूँ, मैं भी ना जो यहाँ पे जैसे लोग रहते हैं ना वैसे रहने की अब कोशिश करूंगी। चुन्नी मैं अपने कैमरे से शूट कर रहा था लेकिन ये डिस्टर्ब करने के लिए आ गए हैं, लेकिन हम माइंड नहीं करेंगे। चुन्नी में ज्यादातर हाथ मत डालिए, इवन इफ आप ठंड में नहीं आए, क्योंकि हाथ आपके सुन पड़ जाते हैं, नम हो जाते हैं हाथ। नहीं दिख रहा होगा वहाँ पे हमारे पास हॉलीवुड भी है। क्या इतना शांत मौसम है, इसमें ना बंदा शांत रहना पसंद करता है। तुम ना कुछ कहो ना कुछ सुनो, पर कितना ही रिलैक्सिंग फील हो रहा है ना इसे पानी में। इसमें मछलियां भी है बट दिख नहीं रही मछलियां। तो गाइस मैंने अपनी बेटी को बोला तमन्ना को कि मैं क्या कुछ व्लॉग बना, कुछ फन कर, इतनी अच्छी जगह पे है। कह रही यहाँ आके तो संन्यास ले लेना चाहिए। क्या बोलती है? ले लेता, मैं तो कहती हूँ बिच्छू चलो यहाँ से नहीं लेना, मजा आएगा। की मजा आएगा? म्यूजिक मामा टुडू। तो ये है संन्यास लेने वाली लड़की, बताओ। इसकी मम्मी होती ना साथ में। हाँ क्या छोड़ चुकी है? मैं सब मोह माया छोड़ चुकी हूँ, ना पैसा ना बाप ना भैया। बाप भी नहीं, तो मैं इसको ना यहीं छोड़ के जा रहा था कदम देने डाल। ये कितनी गहरी है भैया? ज्यादा नहीं, 10-11 फुट होगा। अच्छा 10-11 फीट भी बहुत होते हैं, तैरना नहीं जिसको आता वो तो डूब ही जाएगा ना। हाँ वो तो 5 फुट में भी डूब जाएगा। नीचे दलदल है ना? हाँ नीचे दलदल है। ओके ओके, यहाँ से फोटो वोटो निकालते जाना, फिर ये साइड से वापस हम नहीं आएंगे। हाँ ठीक है, वापस आएंगे ना दूसरे साइड, दूसरी साइड से आएंगे ना। शहर था पहले कहाँ? श्रीनगर का होलसेल मार्केट कहाँ है? ओके, तो हम श्रीनगर का होलसेल मार्केट भी आपको दिखाएंगे। आपको एक गार्डन दिखाया हमने जिसमें लोटस की खेती हो रही थी, तो उसके बाद हम अभी कहाँ जा रहे हैं भैया जी? अभी जाएंगे नेहरू गार्डन। अभी हम जाएंगे नेहरू गार्डन, ठीक है? बाद जाएंगे फिर बड़े लेक। हाँ तो एक एक करके बताते जाएंगे ना जहाँ जहाँ जाएंगे। गाइस यहाँ की अपनी ही इतनी सुंदर म्यूजिक है, नेचुरल पानी की आवाज सुनिए। मेरा मन नहीं करा कोई म्यूजिक डालने को, क्या आनंद आ रहा है। अच्छा ये रोड भी नहीं था पहले, जब ये बड़े बड़े होटल बनवाए थे पहले। अच्छा अच्छा, यही गाड़ी थी, इसी से आना जाना। ओ देखिए गुलफॉर्म। तो अभी अभी हमारे शिकारा ड्राइवर जी ने बताया है कि जो पहला सीरियल गुल गुलशन गुलफॉर्म बना था वो इसी होटल में बना था। सीरियल सी बेटा, डीडी का सब तो पहला सीरियल, कश्मीर का पहला सीरियल सी, डीडी वन ते आंदा सी, डीडी वन पे आता था ना, डीडी वन ते आंदा है गुल गुलशन गुलफॉर्म, देखो नेट ते सर्च में बनता था। लेकिन आगे बड़े लेक में कश्मीर की कमी और जब जब वो बड़े लेक, हां बड़ी लेक में ज्यादा बनता था ना। उसके बाद जाएंगे ना बड़े लेक। टेस्ट कर रही है ये आर्मी है ना, अंदर जो गरीब लोग चीजें बनाते थे ना मार्केट की प्रोटेक्शन के लिए। हां अंदर जो गरीब लोग चीजें बनाते हैं ना, अंदर जो मार्केट रखा है उसकी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी रखी है। ओके, ये सिक्योरिटी उनकी। हाँ दिखाऊंगा ना मैं वापसी में आपको कहाँ पे है, बहुत सारे बोट ऐसे खड़े रहते हैं। ओके ये वाला यहाँ घूमे गार्डन है, तो मुगल गार्डन तो गए उधर भी नहीं गए। नहीं वो कितने गंद फैलाते ना, ये देखो बियर का कैन निकल गया, शायद आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मतलब गंदगी हर जगह फैलानी है सबने, हाँ इतनी खूबसूरत जगह को भी बर्बाद करना है, मानते नहीं है लोग। ये सामने आप देख रहे हैं नेहरू गार्डन, जो हम बिल्कुल नहीं घूमने वाले, क्योंकि गार्डन तो गार्डन होता है, जितने थके हो उससे और ज्यादा थक जाएंगे। हाँ तो लेक में बैठे बैठे यहीं से नजारे, तो हम यहीं पे बैठे बैठे नजारे देखेंगे। बस आपको बता दिया ये नेहरू गार्डन है, अगर आप लोगों को गार्डन में आना तो आप खुद श्रीनगर आइए और गार्डन का सैर सपाटा कीजिए। अच्छा वो जो तिरंगा है वो वहाँ के पे क्या है? पता ही ना ये शॉट ना पहले ना हो चुका, पापा कहते हैं ना कैप्चर हुआ फिर से कर। ये देखो पहले टाइम लैप्स लगा हुआ था ना गाइस, तो ये डायलॉग आए नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फिक्शन कर दिया।
बट नहीं है एक्चुअली पापा कहते हैं तिरंगा का है, मैंने तो खोल के देखा तिरंगा का है। नहीं तिरंगा है लेकिन बहुत दूर है गाइस, आप लोगों को दिखेगा नहीं, हाँ बहुत दूर है, बहुत पहाड़ के ऊपर लगा हुआ है। तो वही मैं इनसे पूछ रहा था भी वो क्या है। तो ये है डल लेक, डल लेक ब्यूटीफुल, नहीं ये डल लेक है बेबे, डल लेक ही तो है कश्मीर की, श्रीनगर की। कितना लग रहा था श्रीनगर आ गया? बहुत वधिया, ये काम करना पहाड़ पुड़ के थी बन जाना, काम करना तेरा शिकारा चलाया करेंगे। रख लड़े शिकारे तेन इत्थे बाहर दे बंदे नू स्टे नहीं करन दंदे, जम्मू कश्मीर शेड्यूल है ना, तुहानू जमीन खरीदन देंगे ना कोई काम करन। आहा फिर ते एक ही काम हो सारा कितना नहीं खिंचानी फोटो, बड़ी सोहनी आ रही वैसे फोटो खिंचदा मैं, वीडियो बना रहे हो ना? नहीं फोटो खिंचने हैं, खिंचदा पिया है कश्मीर की कली, हाँ होगी फोटो खिंचवाने का पड़ा इसको। अपनी भाभो इत्थे ही चुक लो है, मैं क्या मेनू इत्थे दी कुड़ियां बड़ी पसंद आ गई, मैं सोचने अपनी भाभो इत्थे ही चुक लो, पूछ ला सैली चुक अपना अपना हिसाब है। हुण मैं सोचन दी अंकल ने कहा कि इत्थे ओ करदे ने स्विमिंग करदे ने, सन्यास अपनी थी, एक मेरी लोटी, एक लोटी बेटी मेरी, उसको भी सन्यास दिलवा दूं, बताओ पहाड़ा दी रानी नहीं बनी, वे सन ग्लेयर तेरे उत्ते बहुत वधिया आ रहा है। चलो फिर एक फोटो भी रख लेना इधर नाली। अब हम जा रहे हैं गाइस ओल्ड श्रीनगर, है ना जी, ओल्ड श्रीनगर मार्केट की तरफ। गाइस मैंने एक बात नोटिस किया, जितने भी यहाँ के घर है ना वो एकदम अमृतसर जैसे हैं, पुराने एकदम लकड़ी के बने हुए, बहुत ही सुंदर। हालांकि अमृतसर में भी अब कम हो गए ऐसे घर, बट इन्होंने अपनी विरासत संभाल के रखी है, देख के खुशी हुई। मिशन कश्मीर इस वाली बोट पे शूट हुआ था, ऋतिक रोशन और प्रीति जिंदा की, ये फोटो भी आप देख सकते हैं। प्राइस रहता है या उसमें भी? नहीं, जो आपको खुशी होगा दे देना, क्या दे सकता। अच्छा नहीं, सीजन की बात कर रहा हूँ, और भी तो पर्यटक आते हैं। एक ही बात है, अभी भी सीजन ही है, अभी यहाँ कौन सा सीजन लगता है, 3 साल के बाद अब खुला। अच्छा 3 साल एक डेढ़ महीना हो गया यहाँ तो, कोई सीजन नहीं होता है, कोई काम 10 दिन होता है तो 2-3 साल बंद हो जाता है कश्मीर। एक महीना तो कैसे गुजारा चलता है जैसे पर्यटक नहीं आते? खेती वेती करते, मजदूरी करते हैं, काफी मेहनत का काम है शिकारा चलाना भी। मन्ना ड्राइव कर रही है शिकारा, बेचना छोड़ दी कितने चप्पू तो, लेकिन सिल्वर शॉट है, बढ़िया लग रहा है, लेकिन जो शिकारा चला रही है ये तमन्ना चला रही है। तमन्ना कितना तो लगता है शिकारा चला के? हाँ चंगी तरह करो, दम नहीं लान दे तू इते। एक साइड
पापा लाइ दे तुहानू शिकारा इत्थे कर लो तुसीं वी काम ठीक है मजदूरी करनी पैंदी है थोड़ा टाइम काम चलदा उस तों बाद फिर बंद कर दिंदे श्रीनगर है बंद कर दिंदे हां कोई ना कोई दिक्कत हो जांदी कोई ना कोई वारदात हो जांदी वैसे लॉकडाउन सी हां हां अंकल एनी छेती छेती किद्दां जा रहे उन्हां नूं आके कल्ले बैठे छेती होएगा होएगा और दम लाओ होएगा आराम से आइए रास्ता छोटा है आ जाओ आ जाओ तो गाइज उन्होंने मना कर दिया करे आगे रास्ता छोटा है तो गाइज उन्होंने बोला है आगे रास्ता छोटा है क्योंकि बाजार में घुस रहे हैं हम पानी के बाजार में जैसे वेनिस की गलियां ऐसे श्रीनगर की गलियां ओल्ड श्रीनगर में हम आ चुके हैं तो भाई साहब ने बोला अभी आप बोट ड्राइव मत करो क्योंकि छोटा रास्ता है तो उन्होंने मुझे आगे बैठने के लिए बोल दिया मैं कह दी जिन्हें भी बोटा गया सारी फिल्मों के नाम से गया जिम्मे दास्तान तो हम लोग बाजार में पहुंच चुके हैं गाइस ये पुराने बाजार हैं श्रीनगर के आगे और संकरा होता जाएगा रास्ता चलती फिरती दुकानें घूम रही हैं हमारे पास ये मेन बाजार है श्रीनगर का तो लोकल लोग जितने भी ओल्ड श्रीनगर के लोकल लोग हैं अपनी अपनी पर्सनल बोट में आते हैं और यहाँ पे शॉपिंग करते हैं आके क्या ब्यूटीफुल बाजार है यार देखो कितना ट्रैफिक है इधर और ये देखो खूबसूरत कपड़े शाम पै गई आज शिकारे ते फिर की कहना चाहनी है ठीक है शिकारा बस शिकारे ते जे तुसीं आना है तो सोने वास्ते मतलब सो के फिर की नज़ारे देखने गाइस ये कैसी बातें करती है करिए आके सो जाओ नहीं शिकारे पे तो ये जो नज़ारे हैं ये कौन देखेगा फिर सोते हुए एक बार आओ नज़ारे देख लो दूसरी बार आओ आराम से रिलैक्स होकर सो जाओ है ना झूले लेंदे रहो और की जब दूसरी बार आई मैं तो आराम से सोना वा हैंडीक्राफ्ट कितना वधिया ना तो पसंद आया साड़ी ही पंदे नहीं ठंड है कि नहीं कि नहीं छोड़ देंगे बस बुखार में अलग चीज बारे में क्या क्या आते हैं कश्मीर में श्रीनगर के बारे में हमको खुद को भी पता नहीं है तो गाइस ये देखो कैसे लोग हैं इनको खुद को ही नहीं पता हमें पता बस अमी अस्तो इससे आगे वाली लाइनें हमें आती नहीं है और ये भाई साहब बताते नहीं है कोई बात नहीं पता है बता रहे हैं अमी अस्तो इतना ही पता है ना हमें उसके पहले वाली लाइनें तो नहीं पता ना तो आपको पता है आप लोकल हो तो थोड़ा बोल दो ना मुझे भी याद ही नहीं याद नहीं है तो गाइस कैसे लोग हैं यार बता ही नहीं रहे हम होते ना पंजाब में हमारे में कुछ कहावत होते तो हम गर्व से बोलते बताते हाँ जी सुंदरता है हमारे श्रीनगर की मैं अपने आप को ना दिखाते हुए आपको श्रीनगर ओल्ड श्रीनगर का बाजार दिखा रहा हूँ देखिए आप श्रीनगर तो बहुत देखा होगा फिल्मों में लेकिन जो चीज़ आज मैं दिखा रहा हूँ आपको ये आपने कभी नहीं देखा होगा ये घर भी हैं लोगों के रहने के लिए वो पीछे आपको दिख रहे होंगे तो ये पर्सनल इनकी बोट है और सिंह साहब अपना एंजॉय करते हुए बोट में वो भी हमारी तरह शायद घूम रहे हैं और ये देखिए शाह जी की दुकान है क्या बात है क्या ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट है नहीं 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 तो एक पंजाबी फैमिली हमारी तरह अपने आप में फन करती हुई की हाल है भाजी वधिया है असी दिल्ली तो आए हैं जी अही जनकपुरी तो तुसी ओए ओए फिर तो कमाल होगी तो हमारे दिल्ली के विकासपुरी के भाई मिल गए हैं ये भी श्रीनगर में एंजॉय कर रहे हैं तो आप लोगों ने सुनी होगा पंजाबी में शायद कुछ लोगों को समझ में आ भी गया होगा लेकिन हैंडीक्राफ्ट का बहुत ही बढ़िया यार यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बाजार है ये देखिए
चारों तरफ बाजार लगा हुआ है। अच्छा अच्छा जमीन है, तो गाइज लेक के साथ साथ ना जमीन भी है, तो जमीन पे खेती हो रही है, होती है मतलब। और आप ये देखो यार ब्यूटीफुल, अभी थोड़ी थोड़ी ना ठंड होने वाली है, लेकिन हम जैकेट नहीं खरीदेंगे क्योंकि होटल जाके कम्बल में घुस जाएंगे, टीवी देखेंगे और सो जाएंगे। लेकिन आप ब्यूटी देखो यार, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। श्रीनगर जरूर आओ, ओल्ड श्रीनगर, ये पुराना श्रीनगर है गाइस। अच्छा घुमाया इन्होंने शबीर भाई, ये इनका मैं पहले भी बता चुका हूँ शिकारा है, तो कभी भी श्रीनगर आओ शबीर भाई को ज़रूर मिलो आप, ठीक है। बहुत अच्छे इंसान है, बड़े अच्छे से घुमाया इन्होंने, बड़े ही कम पैसों में। जब आप आओगे तो आप इनसे डील कर लेना, हमारे साथ तो अच्छी डील हो गई। तो चलो गाइस अब चलते हैं होटल की तरफ। चलो थैंक यू शबीर भाई आपका। तो डल लेक घूमने ही हमने, बहुत मज़ा आया। अब हम जाएंगे होटल, ये सामने ही होटल है अपना, कोई ज़्यादा दूर है नहीं। तो गाइस होटल पहुंच चुके हैं और ये होटल के हैं ओनर, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो इनका होटल है मुस्कान, यंग मुस्कान। लेकिन एक चीज़ मेरी अभी भी अटकी हुई है कि इनसे पूछते हैं ये बताते हैं या नहीं बताते, सब लोगों ने मना किया लेकिन इनसे पूछते हैं। अच्छा वो जो अपनी कहावत है श्रीनगर की खूबसूरती के ऊपर हम हस्तो, वो क्या है आपको पता? जी पता है मुझे, तो अगर फिर दो से बरोए जमी हस्त, हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्तो, अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है यही है यही। मुसाफिर हो यारो